इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से आ रही है, जहां दरभंगा से बड़ी ब्रेकिंग खबर, दो पक्षों के बीच गोलीबारी, नशेड़ी युवकों का हंगामा, किया गोलीबारी, सती सदा के पुत्र हीरा सदा जख्मी। गोलीबारी की घटना से गांव में दहशत का माहौल, मौके पर पहुंच पतोर थाना के थाना अध्यक्ष शिव नारायण के साथ दलबल के साथ देर रात पहुंचे। आपको बता दें कि जैसे ही घटना की जानकारी मिली, ये सभी लोग पहुंच गए, लेकिन अब जो CTSP सागर झा है, उन्होंने पुष्टि कर दिया है कि गोलीबारी चली है। लगातार छापेमारी जारी है। जो घटना जिनके ऊपर आरोप है, वो घर से फरार हो गए हैं। पूरा मामला आपको बता दें, दरभंगा जिला के पतोर थाना क्षेत्र के खैरा गाँव में दो युवकों पर गोलीबारी कर गाँव में दहशत फैलाने का आरोप है। ग्रामीणों का आरोप है कि 3 राउंड फायरिंग भी किया गया है। वहीं पुलिस को भी 2 खोखा बरामद हुआ है। अब पूरे मामला जांच शुरू हो गया है और गोली लगने से घायल का इलाज DMCH में चल रहा है, खतरे से बाहर बताया जा रहा है। दरअसल बीती रात की घटना है। भीखन सदा ने बताया कि 4 दोस्त हम लोग बैठे हुए थे, जिसमें लखन सदा, राजा सदा, हीरा सदा सभी बातचीत कर रहे थे। तभी लाठी डंडे लेकर छोटू सिंह और यहां अरुण मंडल पहुंच गया और गाली गलौज करते हुए पिस्टल निकालकर हम लोगों पर तान दिया, जिसके बाद हम लोग भागे, लेकिन तब तक फायरिंग कर दिया, जिसमें हीरा सदा को गोली लग गया और वो घायल होकर गिर गया, जिसके बाद हल्ला होने लगा और दोनों भी भाग गए हैं। बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से। पक्ष की बात करें, जिसने गोली चलाकर भागा है उसके पीछे पुलिस लग गई है, जल्द ही गिरफ्तार होगा। जिसको गोली लगा है, उन लोगों के ऊपर भी ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग शराब चुल्लू बेचने का काम करते हैं, माहौल खराब करते हैं, तभी ये झगड़ा हुआ है, ऐसा बता रहे हैं। घटना पूरा बताइए। रात में टाइम तो हम नहीं देखे, हम हाँ। 4 आदमी जिस पर गोली चला है वो भी बैठे थे। नाम बताइए सबका। 4 लड़का हम साथ में बैठे, सबका नाम बताइए। उसमें था एक लखन सदा, भीखन सदा, एक राजा सदा, एक हीरा सदा, जिसको गोली लगा। हम 4 आदमी बैठे हैं, इधर से 2 आदमी लठ लेके गया। दोनों के पापा का नाम विनोद है। दोनों को बेटा पहुँचा लठ लेके हम लोग पर। हम लोग बैठे बतला रहे हैं आराम से, और लाठ लेके पहुँच गए। हम लोग अबाक हो गए, क्या गलती हम लोग कर दिए। हम लोग लाठ लेके हम लोग आ गए हैं, उसको समझौता किया, भाई क्या हुआ पहले बोलोगा, जब ही तो समझेंगे कि ऐसे ऐसे बात हुआ है। कुछ बोला नहीं, सीधे पैर धर लिया। अच्छा, बता रहा है कि मतलब क्या एक्चुअल झगड़ा क्या था वहाँ पे? झगड़ा हम लोग को कुछ पता ही नहीं चला, हम लोग बैठे थे वहाँ। क्या कैसे झगड़ा हुआ? नया साल में पार्टी मना रहे थे क्या? नहीं, हम लोग आराम से बैठे थे अपना देहरी पर। कल कुछ पिए हुए कि नहीं आप लोग? नहीं, बैठे थे सब, 4 दिन प्लान ही बनाने रहे थे पीने का। शराब नहीं पी रहे थे? नहीं, बैठे थे आराम से, देसी चुल्लू सब खा रहे थे, बैठे थे बस। इतने ही देर में वहाँ से जब उसको पकड़े हैं, भाई समझौता कर क्या हुआ है, क्या गलती हुआ है, तो उसके क्षमा मांगते हैं भाई। तब भी वो बर्दाश्त नहीं किया, कालर धर लिया है, घिंचा है वहाँ से। कालर धरने वाला कौन था? कालर धरने वाला क्या नाम है? छोटू सिंह। हाँ, उसके बाद फिर? उसके बाद विनोद का बेटा था अरुण पास जी मंडल, अरुण मंडल, वही दोनों झगड़ा करके वहाँ से फिर भागा है। तब दोबारा बंदूक लेके गया वहाँ, 4 आदमी हम खड़े हैं, उसको बीच में ऐसे ताना है। अब वो गोली हम पर लगता है, उस जगह नहीं चला। बंदूक आप देखे थे? हाँ, एकदम। हाँ, कौन सा बंदूक था? वही छोटा वाला रिवॉल्वर। क्या बोलते हैं रिवॉल्वर? हाँ, जिसको अंदर से ऐसा लगता है। आप चलाएं कि नहीं कभी? नहीं, हम नहीं कभी हाथ नहीं देखे हैं। देखे भी नहीं? नहीं। अच्छा, तो आप ही लोगों को क्यों गोली मारने के लिए आया था? अब सब ने वही ना जानेगा, उसी से ना सब भेद खुलेगा। क्यों? अच्छा। मारा भाई, तुमको क्या जुलूम किया था इसके, तुम गोली चलाने? फिर क्या हुआ, तान दिया उसके बाद? उसके बाद वो वहाँ से भागा। वहाँ से भागने के बाद हम लोग अगने में रह गए, इधर यहाँ पर फायरिंग हो गया, गोली चला, छोड़ाने वाला दौड़ा, दो उसके ऊपर भी चलाया गया, वो भी बच गया, लेकिन तीसरा गोली उसको इस जगह पर लग गया। लग गया? हाँ। अच्छा, तब हम लोग उठा के ले गए हैं, तब इतना तेज सब भाग गया। अच्छा, अगर ये बताइए कितना राउंड कितना चला था, कितना गोली चला था? आवाज कितना हुआ? 3 आवाज। अगर 3 आदमी को 3 गोली लग जाता तो क्या होता? आज क्या होता? तीनों मरता। तीनों मर जाता? मरता नहीं, एक घायल है हमारा, अगर तीनों को लग जाता। अच्छा, ये जो अस्पताल में भर्ती, उसका नाम क्या हुआ? हीरा सदा। हीरा सदा, उसके पिता का नाम? सती सदा। आपका नाम क्या हुआ? भीखन सदा। गाँव खैरा। किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? आरोप किसके ऊपर लगा रहे हैं? अरुण मंडल, छोटू सिंह। बस दो ही आदमी? हाँ भाई, दो ही दोनों क्लेम किया है। घटना कितने बजे रात की है? कितने बजे रात की घटना है? 6 बजे का। और ऊपर से सुबह बोला है, रात में हमारे बेटा चला है गोली, आप मैं चलाऊंगा, उसको पिता बोला है। अच्छा, पुलिस आ गई थी? कहाँ का थाना है? थाना अपने ब्लॉक का है, पतोर का। अच्छा, कितना घंटा के बाद आया पुलिस? पुलिस तो 1.5 घंटा के बाद, 1.5 घंटा के बाद। सूचना आप लोग दिए थे? कौन दिया था सूचना? सूचना अपने आगे देते लिए, सोचना हम ही लोग देते। ठीक जी सर, दरभंगा जिला के पतोर थाना क्षेत्र में गोली चली है, रात गोलीबारी की घटना हुई है, क्या कुछ मामला है सर?
पतौर ओपी अंतर्गत खैरा गांव में कल गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें स्थानीय थाना वहां पर पहुंच करके घटनास्थल का निरीक्षण किए थे। इस क्रम में दो खोखा वहां से बरामद हुआ। जो जख्मी है हीरा सदा, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, अभी वो खतरे से बाहर बताए जाते हैं। उनका जो स्टेटमेंट है वो लिया गया है। उनके द्वारा दो व्यक्तियों को इस घटना को कारित करने में नामजद किया जा रहा है और उन दोनों व्यक्तियों के गिरफ्तारी के लिए दरभंगा पुलिस प्रयासरत है। अभी दोनों व्यक्ति फरार चल रहे हैं, उनका तकनीकी डिटेल्स के आधार पे गिरफ्तारी हेतु प्रयास जो है वो किया जा रहा है। कुल कितने राउंड गोली चली सर? दो खोखा बरामद हुआ है वहां से। क्या घटना का क्या कारण माना जा रहा है? कारण तो अभी स्पष्ट नहीं है, अनुसंधान का विषय है। जैसे गिरफ्तारी सुनिश्चित हम लोग करेंगे अभियुक्त का, उसके बाद पूछताछ में और स्पष्ट हो पाएगा। कुछ पता चल पाया है जो गोली जो लोग चलाए हैं किस तरह के ये लोग हैं? जो अभी तक के प्रारंभिक अनुसंधान में जो बात आ रही है, जो स्थानीय लोग वहां पर बता रहे हैं, एक इसमें प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी हैं, तो उनके द्वारा बताया गया है कि नशापान को लेकर के जो है संभव है कि यह घटना को कारित किया गया, लेकिन इसकी पुष्टि अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे। जो लोग दोषी इसमें होंगे क्या कुछ इस पर कार्रवाई होगी? इसमें गिरफ्तारी किया जा रहा है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो आर्म्स इस घटना को कारित करने में यूज किया गया था उस आर्म्स की भी बरामदगी हो। सर क्या लग रहा है इन दिनों बात बात पे गोलीबारी की घटना हो जाती है, क्या कारण है जो इस तरह की घटनाएं बराबर होती रहती हैं? देखिए इसके लिए कारण तो हर घटना का मुख्यतः देखा जाए तो आपसी विवाद को लेकर के होता है और इस घटना को भी हम लोग शीघ्र ही उद्भेदन कर लेंगे, जैसा कि पूर्व की घटनाओं का भी किया गया है। उसके बाद आप लोगों को ब्रीफ कर दिया जाएगा इस घटना का क्या कारण था। तुम्हारे ऊपर भी गोली चलाया गया था? हाँ। कितना गोली आपके ऊपर चला था? एक गोली। कहाँ पर मार रहा था? ढाट लंग मारा। अच्छा, नहीं आपका कहाँ पर चला था, पांव पर कि माथा पर, कहाँ चला था? तो भाग गया वहाँ से, मार था। हाँ। मुझ पर चला, मैं तो छिप गया। हाँ। टाट के सामने तो फायरिंग किया, उस एक और लड़का था। हाँ। उसको तो खेत में अंगरा गया, तब हाथ उठाया ना। हाँ। उस पर धड़ाधड़ गोली दाग दिया। अच्छा, वो बेहोश हो गया उतना जाते जाते। हाँ। ठीक है, उसका उठा के आना, भाग गया सीधे अपन जान बचा कर। आपके ऊपर क्यों गोली चलाया? अरे मैंने छोड़ाने गया था, पहले लेडीज के मार रहा था। हाँ। मैंने छोड़ाने गया तो गोली जब मारा, जब गोली मारा तो कितना जोर से आवाज किया? फट फट का आवाज आता है। फट फट के? हाँ। मतलब वो बम छोटा वाला जो बम होता है उसके जैसा कि खूब जोर से? नहीं, छोटा वाला गोली था, उतना आवाज नहीं किया। उतना आवाज नहीं किया? नहीं किया। अच्छा, तो आपको कहाँ पर लगने वाला था गोली? अगर आप नहीं बचते तो कहाँ लग जाता? रात का समय था, कहाँ लगता नहीं लगता कुछ पता था? हाँ। नहीं था पता। क्या लग रहा है कि बच गए वही लग रहा है क्या? क्या नाम हुआ आपका? पिताजी मदन सदा। अच्छा, गोली कौन चला रहा था आपके ऊपर? छोटू सिंह। छोटू कहाँ का रहने वाला है? यही मकान है। इसके साथ क्या हो गया? क्या रात का जो घटना हुआ है जिसमें आरोप लगाया जा रहा है, तो क्या घटना क्या है, जानकारी थोड़ा दीजिए। एक्चुअल घटना क्या हुआ है, कितने बजे आपको पता चला या क्या हुआ है एक्चुअल घटना? बताइए एक्चुअल घटना क्या है, बताइए जो भी है घटना बताइए। घटना कैसे घटा क्या घटा ये मुझे पता नहीं है। हाँ, ये हम लोग कीर्तन भजन में थे और कीर्तन भजन में हमको पता चला जो गांव में कुछ लड़का आपस में नोक झोंक कर लिया। फिर मैं जब उधर से आया तो देखा कुछ पुलिस वाले फ्लैग मार्च में जा रहे थे। आगे यही पता चला, जो अभी परिस्थिति है गांव का या दरभंगा जिला का, ये सबसे पहले हमारे यहाँ जो दारू का जो कारोबार है, हम लोग बोलना नहीं चाहते। नहीं, बोलिए, समाज में मैं रहता भी नहीं हूँ यहाँ। सच्चाई बोलना है, देखिए ऐसा नहीं है कि मैं रहता हूँ, किसी के तरफ नहीं है ये चीज हम बता रहे हैं, लेकिन मैं रहता हूँ लहरियासराय। हाँ। रेस्टडी ऑफिस। हाँ। में मैं डिराइटर हूँ। हाँ। और शायद आपके पत्रकार महोदय से लेकर के तमाम जिला प्रशासनिक हमको जानते हैं। जी, काम का बताइए कि अभी रात में जो घटना हुई है, रात में हुई है तो मैं आपका कोई गवाह तो नहीं हूँ। मैं तो आपको बताया जो समाज में सबसे पहले आता है दारू का कारोबार, बस मेन दारू ही है। और दारू जहाँ जहाँ आज आए दिन गोपालगंज में जहरीली शराब पी करके सैकड़ों घर बर्बाद हो गया, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? राज्य सरकार का दायित्व बनता है। और जो हमारा अभी बिहार का जो स्थिति है, ये बहुत बड़ा जो है अपराधी का जो जमवाड़ा है। अच्छा, यहाँ पे बनता है भी है, चुल्लू बोलते हैं ना, अब कहाँ बनता है सोने कहेंगे, लेकिन है दारू ही। लेकिन कहीं ना कहीं पीने खाने के बाद ही वाद विवाद बढ़ा है। पीने खाने के बाद ही लड़का सब, ये सारा का सारा लड़का एक ही जगह रहता है। छोटू के ऊपर आरोप लगा रहा है, वो भी सब लोग एक ही जगह, सब एक ही जगह है। अच्छा, ये मोहल्ले का लड़का सब है। गलत रिपोर्ट मत दीजिए, हमने किसी को नहीं मानते। आपका नाम क्या हुआ?
मेरा घर यहाँ से अलग है। नाम आपका क्या हुआ? कृष्ण मोहन सिंह। यहाँ से मारने आया था आपके घर में? छोटू। काहे मारने के आया था? कल हमारा देर के मुँह फोड़ दिलिये, मुँह का पार आर तो मारो नहीं मार लगे तो वह घिचने आबे छले तो हम कहले की कहले बगैर फाद के मार छी तो हम उ की कहबे तो दी बोलबे मुँह के फाड़ देबो कन तो बांस ल के मारे छल हमरा के घिसिया के नेना छले तो वह दर हमर देर एले तो हमरा देर के अहा के बंदूक चलबे लगले अहा के मारे लगले। आप ही से विवाद शुरू हुआ था? आपसे ही? अरे झगड़ा आप ही से शुरू हुआ? क्या नाम है आपका? गुलाब देवी। तो आपको काहे के लिए मारने के लिए आया था? हम कहले कहले मार लिए हमरा देर के बगैर फाद के वह द्वार घर के घिस के कहला मारे छी तो वह द्वार हमरा मारे लगले। आपके पति का नाम? ससुर सती सदा। गाँव?